जय हिंद। नमस्कार सभी साथियों को, कैसे हैं आप सभी। आज इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं रीट नई भर्ती के बारे में। सर आप बोलेंगे कि इसके अंदर तो ऐसा कुछ है नहीं, बट आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर ही है, सब कुछ दे रखा है। ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती सेटअप परिवर्तन के जरिए 24,000 पद खाली करेगी सरकार, 15 सितम्बर तक दे सकती है 48,000 नियुक्तियाँ। तो इसके अंदर देखिएगा, आपको मैं बता दूँ 24,000 पद रिक्त पड़े हैं। शेष चयनितों को नियुक्ति के लिए अपना रही सेटअप परिवर्तन का विकल्प अभी विकल्प भरवा गया है, और इसके अंदर अब की आपका 15 सितंबर तक है जो ज्वाइनिंग देने की पूरी संभावना है। इसके अनुसार हम बता दें कि आपको सर्वाधिक पद इन जिलों में खाली है जो लेवल 1 के हो और लेवल 2 के भी हैं। बाड़मेर के 2100 है और अलवर के 1450 है। इस हिसाब से ये टेलीग्राम पर मैंने भेज दिया, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, संपूर्ण डिटेल वहाँ पे अपडेट देते रहते हैं और वहाँ पे हम इंफॉर्मेशन आपको भेजते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नई रीट जो भर्ती है आपकी, वो उसके लिए मैं आपकी खुशखबरी और दिखाना चाहता हूँ। देखिएगा, आपको मैं बता दूँ 10 नए प्राथमिक संस्कृत स्कूल खुलेंगे, तो इसके अंदर भी आपकी नई भर्ती आने की पूरी संभावना रहेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में नवीन प्राथमिक संस्कृत विद्यालय खोलने हैं तथा एक राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय को वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में क्रमांतर करने की स्वीकृति दी है। साथ ही उन्होंने 131 राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालयों में तृतीय श्रेणी अध्यापक एक एक अतिरिक्त पदों में सृजन की मंजूरी दी है। गहलोत ने स्वीकृति से अलवर, भरतपुर, दौसा और सीकर जिले में एक एक तथा जयपुर, झुंझुनू, राज्य संबंध जिले में दो दो नवीन प्राथमिक संस्कृत विद्यालयों खोले जाएंगे, जबकि राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालयों थड़ी, गिराना, बाड़ी, धौलपुर को वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय क्रमांतर किया जाएगा। सीएम ने संस्कृत शिक्षा विभाग के अधीन संचालित 131 प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्येक विद्यालय के लिए तृतीय श्रेणी अध्यापक एक एक नवीन पद पर सृजित किए जाने की स्वीकृति दी है। तो देख सकते हैं 10 विद्यालय खुले हैं, तो इसके अंदर भी आपकी नई भर्ती आएगी। और इसके अलावा आपको मैं बता दूं, इसके अंदर भी स्पष्ट दे रखा है आपकी 15 तारीख तक ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके बाद नई रेट की विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। आप निरंतर अपनी तैयारी जारी रखें और आपको हस्तलिखित नोट्स भी जल्दी प्रोवाइड करवाया जाएगा ORJAT एप्लीकेशन पर, लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाना, बहुत सारे कैंडिडेट जुड़ चुके हैं और लाभ उठा रहे हैं, आप भी अपना लाभ उठाइए। डेली आपको क्विज मिलता है, डेली आपको न्यूज मिलती है, संपूर्ण जानकारी उसके ऊपर उपलब्ध करवाते हैं। आशा और उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।